हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमृता एंड वेलकम बैक। आज हम बनाएंगे शॉर्ट्स और टॉप। तो ये देखिए, इस तरह का कपड़ा लिया है मैंने टॉप के लिए। इस कपड़े से शॉर्ट्स बनाएंगे और इससे टॉप बनाएंगे और इस नाप से बनाएंगे। पहले मैं इसकी टॉप की कटिंग बता देती हूँ। ये देखिए, डबल फोल्डेड कपड़ा है। इसकी लंबाई जो है 43 इंच और इसकी चौड़ाई है 16 इंच। इसको इस तरह से फोर फोल्ड करेंगे। टॉप की लंबाई 8 इंच रखेंगे। शोल्डर के लिए 5 इंच पे निशान लगाएंगे और आर्म होल के लिए भी 5 इंच पे निशान लगाएंगे। चेस्ट के लिए 7 इंच पे निशान लगाएंगे। कमर पे भी 7 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ एक कर्व बनाएंगे और यहाँ से गले के लिए 2 इंच पे निशान लगाएंगे और गहराई के लिए 3 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे कर्व बनाएंगे। पहले इसको इस तरीके से कट कर लेंगे। अब इसमें से बैक पार्ट साइड में कर देंगे। देखिए, गले की कटिंग हो गई है। यहाँ से 2 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। देखिए, दोनों पार्ट कट हो गए हैं। बैक पार्ट के पीछे से 2 इंच तक कट करेंगे गले को। ये दोनों पार्ट कट हो गए हैं। अब नीचे की फ्रिल कट करेंगे। फ्रिल के लिए 5 इंच पे निशान लगाएंगे। सेम इसी के नाप से एक पार्ट और कट कर लेंगे बैक पार्ट के लिए। देखिए, इस तरह से 2 फ्रिल हो गई है। और फ्रिल की डबल फोल्ड में लंबाई आ रही है 16.5 इंच। अब शॉर्ट्स की कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए, शॉर्ट्स के लिए कपड़ा लिया है। इसकी लंबाई तो है 29 इंच और इसकी चौड़ाई है 16 इंच। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। सबसे पहले इलास्टिक के लिए निशान लगाएंगे 3 इंच पे। देखिए, 3 इंच पे निशान लगाया है और यहाँ से कमर के लिए 7 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से 9 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक 9 इंच पे निशान लगाएंगे और एक यहाँ पे एक कर्व बनाएंगे। अब मोरी का नाप लेंगे। मोरी के लिए 7 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से निशान मिक्स कर देंगे। 1 इंच जितना फोल्डिंग में रखेंगे कपड़ा, इतना कपड़ा फोल्डिंग में आ जाएगा। यहाँ से और यहाँ तक शॉर्ट्स की लंबाई होगी 11.5 इंच। इसको इस तरीके से कट कर लेंगे और इस साइड से भी इतना दब जाएगा। तो ये नाप रहेगा शॉर्ट्स का। अब इसको यहाँ से बीच में से कट कर इस कपड़े को इस तरीके से रखेंगे। शॉर्ट्स के लिए पहले ऐसे रखेंगे, फिर इसके ऊपर दूसरा वाला पार्ट उल्टा रखेंगे और यहाँ से साइड सिलाई लगा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ऊपर से इनके शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। ये ऊपर का पार्ट है, ऊपर से शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। अभी फ्रंट पार्ट का है, बीच का सेंटर से कट करेंगे फ्रंट पार्ट को। इसलिए इस तरीके से कपड़ा रखेंगे। ये देखिए, बीच के सेंटर से मैंने इसको कट कर लिया है। ये वाली पट्टी देखिए 2 इंच की है, यहाँ लगाएंगे। और ये वाली पट्टी 3 इंच की है, वो इस साइड लगेगी। इन दोनों में सीधी सिलाई लगाएंगे यहाँ पे। ये देखिए, दोनों पट्टियां लगा ली मैंने।
इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, थोड़ा सा थोड़ी पट्टियाँ रखेंगे एक्स्ट्रा में और इसके ऊपर सीधी सिलाई लगाएंगे। और ये वाली पट्टी पूरी अंदर की साइड फोल्ड करेंगे यहाँ तक और इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। ये वाली देखिए, ये वाली पट्टी मैंने लगा ली इस तरीके से। यहाँ पे बटन्स लगा लेंगे। अब नीचे फ्रिल बनाएंगे, तो सबसे पहले फ्रिल बनाते हैं। देखिए ये कपड़ा कट किया था, ये दो फ्रिल है, एक बैक पार्ट के लिए एक फ्रंट पार्ट के लिए। इसको इस तरह से खोलेंगे और इसको नीचे से इस तरीके से फोल्ड करेंगे, दो फोल्ड लगाएंगे, सीधी सिलाई लगा लेंगे। अब इसमें ऊपर की साइड सलवट भरेंगे इस तरीके से, छोटे बड़े सलवट भर सकते हो अपने हिसाब से। ये देखिए मैंने फ्रिल बना लिए, सेम इसी तरीके से दूसरी वाली बैक पार्ट की फ्रिल भी बना लेंगे। ये देखिए मैंने दो फ्रिल बना लिए फ्रंट और बैक पार्ट के लिए। ये फ्रंट पार्ट के साथ इसको ज्वाइंट करेंगे, तो सबसे पहले ये एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे यहाँ पे। ये दोनों पार्ट यहाँ से, ये पट्टी एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए। ये देखिए फ्रिल मैंने इसके साथ ज्वाइंट कर दिया है। अब ये वाला कपड़ा ऊपर की साइड रखेंगे इस साइड, और इसके ऊपर एक टांका लगाएंगे। देखिए ये फ्रिल लग गई है। अब सेम इसी तरीके से बैक पार्ट पे भी फ्रिल लगा लेंगे। ये देखिए ये दोनों फ्रिल मैंने लगा ली है, बैक पार्ट में भी मैंने इस तरह से फ्रिल लगा ली है और ये फ्रंट पार्ट में भी फ्रिल लगा ली है। तो ये फ्रिल बनके तैयार हो गई है। ये वाली पट्टी फोल्ड करेंगे पीछे बटन वाली, तो इसके ऊपर इस तरीके से एक कपड़ा रखेंगे और इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे उल्टी साइड में और यहाँ पे एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। अब इसको यहाँ तक कट कर लेंगे। अब इस कपड़े को इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे बटन लगा लेंगे। अब बाजू में पाइपिंग बनाएंगे। पाइपिंग बनाने के लिए ये देखिए मैंने इस तरह का कपड़ा लिया है, इसको उल्टी साइड में रखेंगे और इस तरीके से ये बाजू में लगाएंगे पट्टी। ये देखिए ये पट्टी मैंने लगा ली है। अब इसको इस तरीके से सीधा रखेंगे। देखिए इसको इस तरीके से आगे से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ये फोल्डिंग आप कम या ज्यादा भी रख सकते हो अपने हिसाब से और इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरीके से मैंने इसमें पाइपिंग बना ली है। ये एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें से कट कर देंगे। सेम इसी तरीके से इस साइड में भी पाइपिंग बना लेंगे। ये देखिए इन दोनों में मैंने पाइपिंग बना ली है। अब गले में भी पाइपिंग बनानी है, तो इसी कपड़े से पाइपिंग बनाएंगे। गले में भी दो पाइपिंग कट करेंगे। ये एक पट्टी बनके तैयार हो गई है। एक पट्टी यहाँ से लेके यहाँ तक ज्वाइंट करनी है, दूसरी वाली यहाँ से यहाँ तक करेंगे। तो सबसे पहले इसको उल्टा रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से आगे से थोड़ा सा कपड़ा मोड़ेंगे और इसके ऊपर रखेंगे।
आगे से कपड़े को इस तरीके से कट कर लेंगे, इस तरीके से फोल्ड करेंगे। देखिए दूसरी साइड से भी इसको कपड़े को इस तरीके से मोड़ेंगे और आगे से स्टार्ट कर देंगे फोल्डिंग के लिए। इस तरीके से मैंने दोनों में पट्टी लगा दी है। अब इसको इस तरीके से सीधा रखेंगे और ये वाली पट्टी, ये वाला कपड़ा अंदर दबाएंगे, यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड करेंगे, बाकी का कपड़ा इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से और यहाँ पे एक पाइपिंग बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से इसमें पाइपिंग बना ली है। सेम इसी तरीके से इस साइड में भी फोल्डिंग दबा देंगे। देखिए पाइपिंग बन के तैयार हो गई है, इस साइड में भी ये पाइपिंग बन गई है। अब इनमें साइड सिलाई लगाएंगे। ये देखिए दोनों साइड में साइड सिलाई लगाती है। यहाँ पे दो बटन लगा लेंगे और एक बटन बैक पार्ट में लगा लेंगे। ये टॉप बन के रेडी हो गया है। अब नीचे का शॉर्ट्स तैयार कर लेते हैं। देखिए ये शॉर्ट्स लिया था वो है, यहाँ से 3 इंच तक लाइन ड्रॉ करी थी, इस पार्ट पे भी 3 इंच तक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले आसन की सिलाई लगाएंगे, एक पार्ट सीधा रखेंगे उसके ऊपर दूसरा वाला पार्ट उल्टा रखेंगे और यहाँ से आसन की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस साइड से मैंने आसन की सिलाई कर ली है, दूसरी साइड से भी आसन की सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से कपड़ा रखेंगे और इस कपड़े को 3 इंच तक निशान लगाया था वहां तक इसको फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए लाइन आ रही 3 इंच की, देखिए 3 इंच तक कपड़ा फोल्ड कर लिया है। अब इसको यहां से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। ये देखिए यहाँ से इलास्टिक डालने के लिए इतना खुला छोड़ा है, इसके अंदर इलास्टिक डालेंगे। ये देखिए इस तरह का इलास्टिक लेंगे। इस इलास्टिक की लंबाई बताती हूँ, इस इलास्टिक की लंबाई है 16 इंच। तो इस इलास्टिक को यहाँ पे सिलाई लगाई थी, वहां से लेके उसके पास पास में यहाँ पे निशान लगाएंगे। ये देखिए ये मैंने इस पे लाइन खींची है, इस लाइन के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ तक ये सिलाई लगा ली है तो इसके अंदर इलास्टिक आ जाएगा। पूरे राउंड में सिलाई लगाई है। ये देखिए पिन की हेल्प से ये वाला इलास्टिक इसके अंदर डाल देंगे। देखिए इन दोनों इलास्टिक को यहाँ से जॉइंट कर देंगे, सिलाई के साथ सिलाई कर देंगे यहाँ पे, और ये जो खुला पार्ट है इसके ऊपर भी सिलाई लगा देंगे। अब इसके नीचे की फोल्डिंग करेंगे पैंच की, इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ तक लाइन खींची थी वहां तक इस कपड़े को दबाएंगे। ये देखिए मैंने ये दोनों पैंच की सिलाई लगा ली है, इस साइड में भी लगा ली है। इसको इस तरीके से रखेंगे और नीचे आसन पे सिलाई लगाएंगे। आसन पे डबल सिलाई लगाएंगे।
यहाँ पे कट लगा देंगे दोनों साइड तक की सिलाई खींचे नहीं। तो ये देखिए शॉर्ट्स बनके तैयार हो गए हैं। ये देखिए टॉप और शॉर्ट्स बनके तैयार हो गए हैं। और ये देखिए मैंने यहाँ पे दो बटन लगाए हैं और पीछे की साइड में एक हुक लगाया है। और ये देखिए इस तरीके से मैंने फ्रिल लगाई है और बाजू में मैंने शॉर्ट्स में जो कपड़ा है उससे पाइपिंग बनाई है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।